बागेश्वर धाम सरकार और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव के बीच का विवाद अब देश भर में फैल चुका है। इसी बीच छतरपुर में सभी सनातन धर्म संगठनों ने हिंदू एकता और सनातन धर्म का विरोध करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद से लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज तक शामिल थे। सनातन धर्म के खिलाफ देश भर में फैल रहे जहर के बीच छतरपुर में सभी सनातन धर्म के संगठनों ने गाजे बाजे और हिंदू एकता के लिए सड़कों पर उतरकर सनातन धर्म का विरोध करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया। संगठनों ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का भी समर्थन किया। इस प्रदर्शन में महावीर मंदिर, निर्मोही अखाड़ा समिति, संकट मोचन समिति, हिंदुत्सव समिति, कर्मकांडी ब्राह्मण समिति, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन युवा वाहिनी, बागेश्वर धाम शिष्य मंडल सहित कई लोग शामिल हुए। कुछ दिनों से जो आपने देखा है टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बागेश्वर धाम महाराज जी के ऊपर एक नागपुर की संस्था ने इस तरह से कि अंधविश्वास फैला रहे हैं या कुछ भी इस तरह से कमेंट किया है और उनको चैलेंज किया है कि आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शन सामने सामने करें, तो ये कहीं ना कहीं उनकी शक्तियों को नहीं, ये कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति पर उंगली उठाना है। तो आज हम लोगों ने उसी चैरिटी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। गत कुछ दिनों से लगातार हमारे देश में साधु संतों पर और हमारे सत्य सनातन धर्म पर लोग प्रश्नचिन्ह उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आरोप लगाते हैं, और आज उसी आरोपों को जवाब देने के लिए ऐसे जो दूषित मानसिकता के लोग हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज हम इस सभी सनातन धर्म प्रेमी एकत्रित हुए हैं। विगत दिवस बागेश्वर धाम सरकार के विरुद्ध में श्याम मानव के द्वारा जो टिप्पणी की गई और पूरे हिंदू समाज के खिलाफ जो उन्होंने एक प्रोपोगंडा फैलाया, उसके लिए सभी ने एकजुट होकर उस समिति की जांच करके उसको निरस्त करने की मांग यहां पर सामूहिक रूप से रही। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।